चुनाव से पहले गुजरात बीजेपी को लगा 440 वोल्ट का झटका। बीजेपी के दिग्गज नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा, भाजपा में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, गुजरात में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी में अंतर कलह की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल के खिलाफ पर्चा कांड के बाद अब गुजरात बीजेपी के सबसे ताकतवर प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह बघेला की विदाई हो गई है। गुजरात में संगठन और सत्ता के शक्ति केंद्र कमलम की जिम्मेदारी भी प्रदीप सिंह बघेला ही संभाल रहे थे। गुजरात पिछले 4 महीनों में दूसरे महामंत्री की विदाई हुई है। इससे पहले संघ से बीजेपी में आए भार्गव भट्ट की विदाई हुई थी। छात्र जीवन से राजनीति में आए बघेला की विदाई के पीछे कई तरह चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा है कि एक जमीन सौदे में नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था। इसकी जाँच गुजरात पुलिस की SOG कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया है कि प्रदीप सिंह बघेला ने प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल के कहने पर 7 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कमलम बीजेपी प्रदेश हेड ऑफिस में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदीप सिंह बघेला ने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि वे अग्नि परीक्षा से निकलकर बाहर आएंगे। बघेला सी आर पाटिल के बाद सबसे शक्तिशाली थे। पिछले दिनों राज्य बीजेपी के प्रमुख को बदलने की जब अटकलें लगी तो प्रदीप सिंह बघेला फ्रंट रनर के तौर पर उभरने लगे। हालांकि पार्टी ने प्रदेश में बदलाव नहीं किया था। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में गुजरात बीजेपी में बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी में अंतर कलह भी सामने आ रही है। सूरत में पर्चा कांड में एक पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक और बड़े नेता की छवि रखने के PA के खिलाफ FIR थी। आरोप है कि उन्होंने CR पाटिल, बारडोली सांसद प्रभुभाई वसावा और 84 से पहली बार चुने गए संदीप देसाई को बदनाम करने की साजिश रची और पर्चा कांड किया। इससे पहले बड़ोदरा में बीजेपी बनाम बीजेपी हुआ था। इसमें पार्टी ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाने के आरोपी अल्पेश लिम्बाचिया को 6 साल के लिए निकाल दिया था। साबरकांठा में पार्टी के मैजेंट के खिलाफ सरकारी बैंक के चुनाव में नेता चुनाव लड़ रहे थे।